नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन आएगा बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट। मशरूम की ऑल इन वन इकाई लगाने पर सरकार दे रही 50% तक का अनुदान। यहां बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आज महीने की पहली तारीख से बदल जाएंगे ये नियम। दूसरी बार रोड सेफ्टी का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीसीएल ने इतने रिक्त पदों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल कोची केरला ने विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 57 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bharatpetroleum.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस दिन आएगा बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट। बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीते दिन संपन्न हुई और अब इसका रिजल्ट 15 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा और मेंस परीक्षा दिसंबर तक हर हाल में आयोजित करा ली जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग की तरफ से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 4.75 लाख यानी कि 4,75,000 परीक्षा में शामिल हुए। प्रदेश के सभी 1,153 परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई थी। दिन के 11 बजे से परीक्षा संपन्न होने के समय 2 बजे तक 3 घंटे के लिए जैमर पूरी तरह से सक्रिय रहा। जैमर कैसे काम कर रहा है इसको लेकर एक दिन पूर्व सभी जैमर की टेस्टिंग कर ली गई थी। आज महीने की पहली तारीख से बदल जाएंगे ये नियम। आज अक्टूबर महीने की पहली तारीख है और नियमानुसार हर महीने की पहली तारीख की तरह आज भी कुछ क्षेत्रों में अहम बदलाव किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 से RBI का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने वाला है। सरकार की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के तहत अब इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आप अगर डीमैट अकाउंट होल्डर हैं और अगर आपने 30 सितंबर 2022 तक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं किया तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। साथ ही नियमानुसार आज गैस सिलेंडरों के दाम में भी उतार या चढ़ाव हो सकता है। यहां स्थित है बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर के बारे में। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है मधुबनी जिले के जयनगर स्थित दुर्गा मंदिर। फिलहाल नवरात्रि का दिन चल रहा है, ऐसे में हम आपको ले चलते हैं बिहार के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में भारत नेपाल सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर माँ दुर्गे की एक भव्य एवं सुंदर मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 118 फीट है। शक्तिपीठ से विख्यात माँ दुर्गा का यह मंदिर बिहार का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर के तौर पर स्थित है। सबकी मुरादें पूरी करने वाली माँ दुर्गे की मंदिर में 12 मास शादी ब्याह मुंडन संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठान होता रहता है। साल में 2 बार माँ दुर्गा की भव्य पूजा की जाती है। आश्विन एवं चैती दुर्गा पूजा सदियों से होती रही है। माँ दुर्गे के पास अक्सर कबूतर बैठी होती है। इन्हें दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा के लिए रिलीज हुआ एडमिट कार्ड। बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन कर रखे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। CSBC ने बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आवेदन कर चुके अभ्यर्थी CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा की टाइमिंग रहेगी सुबह 10 से 12 की और इसके लिए कैंडिडेट्स को ठीक 1 घंटा पहले यानी 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। आप अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जरूर ले जाएं।
आरपीएफ ने 19 लाख कीमत की सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। बिहार के गया में आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गया में आरपीएफ के जवान ने लाखों का सोना बरामद किया है। इसके साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो कि नवादा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरपीएफ ने प्राथमिक कार्रवाई के बाद इस मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 12307 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से गया स्टेशन पर एक व्यक्ति को उतरकर संदिग्ध अवस्था में तेजी से जाते हुए देखा गया। तभी शक के आधार पर पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर मामले की छानबीन की, जिसके बाद उसके पास से लाखों का सोना बरामद किया गया जिसकी कीमत 19 लाख के आसपास बताई जा रही है। मशरूम की ऑल इन वन इकाई लगाने पर सरकार दे रही 50% तक का अनुदान, किसानों के लिए अच्छी खबर है, खासकर मशरूम उत्पादक किसानों के लिए। बता दें कि किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से मशरूम के साथ स्पॉन यानी बीज और मशरूम की कंपोस्ट उत्पादन की ऑल इन वन इकाई लगाने के लिए बिहार के किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को इकाई लगाने के लिए इकाई लागत पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले में स्थित राज्य उद्यान विभाग के कार्यालय में सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार की महिला रग्बी टीम ने कांस्य पदक पर किया कब्जा। बिहार की बेटियों ने गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों की रग्बी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देशभर में अपने लिए जगह बनाया है। यह बिहार का दूसरा पदक है। इससे पहले बिहार ने नेटबॉल की महिला वर्ग में भी कांस्य पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि महिला रग्बी में तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में बिहार ने दिल्ली को 14-5 से पराजित किया, जहां पहले हाफ में बिहार ने 14-0 से हराया, दूसरे हाफ में दिल्ली ने 5 अंक हासिल किए। सरकारी स्कूलों में अब स्टील के बर्तन में बनेंगे मिड डे मील। बिहार के सरकारी स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील को लेकर अहम फैसला लिया गया है। अब सरकारी स्कूलों में बनने वाले मध्यान्ह भोजन को अब एल्युमिनियम नहीं बल्कि स्टील के बर्तनों में बनाया जाएगा। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि मध्यान्ह भोजन योजना निदेशालय की ओर से इसके लिए हाल में टेंडर निकाला गया था। 75% बर्तन सप्लाई की जिम्मेवारी सोनीपत की वर्ल्डफा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को दी गई है। मिड डे मील योजना निदेशालय की माने तो इसके लिए 110 करोड़ रुपये का फंड आया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मनाजीर एहसान गिलानी की। मनाजीर एहसान गिलानी एक भारतीय सुन्नी इस्लामी विद्वान और उस्मानिया विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र संकाय के पूर्व डीन थे। उन्होंने तदवीन ए हदीस, मुकदमा तदवीन ए फिक और सवानी कास में लिखी। मोहम्मद हमीदुल्लाह उनके छात्रों में से थे। मनाजीर एहसान गिलानी का जन्म आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1892 को बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव गिलान में हुआ था। उन्होंने अनवर शाह कश्मीरी के साथ सही मुस्लिम, सब्बीर अहमद उस्मानी और असगर हुसैन देवबंदी के साथ सुनन अबू दाऊद, हुसैन अहमद मदनी के साथ सुनान एन नासाई, गुलाम रसूल हजारवी के साथ इब्न मजाह और अजीजुर रहमान उस्मानी के साथ मुवत्त इमाम मलिक का अध्ययन किया। नए नियम के तहत आज से होगा बालू खनन। बिहार में घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि आज से बालू खनन शुरू हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में हो रही बालू की किल्लत को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट में विस्तार कर दिया गया है। अगले 3 महीने तक पुराने बंदोबस्तधारी ही बालू घाटों पर खनन करेंगे। बताया गया है कि नया प्रावधान 1 अक्टूबर यानी आज से लागू हो जाएगा। मतलब यह कि आज से राज्य में बालू महंगा बिकेगा, वहीं आज से कड़ी निगरानी और देखरेख में बालू का खनन किया जाएगा ताकि आम लोगों को बालू की किल्लत से निजात दिलाया जा सके। UPI से गलत खाते में चला गया पैसा तो ऐसे ले सकते हैं वापस। नेट बैंकिंग की सुविधा आने से जितना हम लोगों का काम आसान हुआ है, उतना ही कभी कभी यह मुश्किल में डाल देती है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बात है किसी गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाएं, ऐसे में आप क्या करेंगे। आपको बता दें कि RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाएँ तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं। UPI और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट ना करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है। पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की आपको जरूरत पड़ती है। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करे तो ऐसे में ग्राहक banking@udsman.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। राजस्व विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मियों को लेकर सभी DM को दिए ये आदेश।
एक और जहां जमीन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की दिशा में काम कर रही राजस्व भूमि सुधार विभाग एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है। इसी बीच राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक सेवानिवृत्त होने वाले या मृत राजस्व कर्मचारी या अमीन समेत अन्य कर्मियों का पूरा विवरण भेजने का निर्देश दिया है। इस पत्र में लिखा गया है कि अधिकतर जिलों से इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, इस वजह से ऐसे कर्मियों को सेवांत लाभ देने में काफी समय लग जाता है। यहाँ बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बिहार में अब ई कॉमर्स को रफ्तार मिलेगी क्योंकि राजधानी पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 100 एकड़ में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग ने जमीन को चिन्हित कर लिया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि पटना जिले के जैतिया गाँव के समीप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए जगह चिन्हित किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन को अब जमीन अधिग्रहण के लिए कहा गया है। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, महंगा होगा लोन, बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आम लोगों को महंगाई की एक और मार पड़ी है। आपको बता दें कि बीते दिन रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक का आखिरी दिन था जिसमें यह फैसला लिया गया कि रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 5.40 से बढ़कर 5.90% हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है और बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। इसका असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई महंगे होने के रूप में देखने को मिलेगा। ट्रांसफर के लिए हेडमास्टर और बीईओ को देने होंगे 3 विकल्प। ट्रांसफर के लिए हेडमास्टर या बीईओ को 3 जगहों के विकल्प देने होंगे। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा विभाग के अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षण तथा निरीक्षण शाखा में ट्रांसफर के लिए 3-3 विकल्प देने को कहा है। इसके लिए प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश ने ईमेल के जरिए विकल्प मांगा है। बता दें कि राज्य के विभिन्न 79 बुनियादी विद्यालयों के हेडमास्टरों ने निरीक्षण शाखा में जबकि 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने निरीक्षण शिक्षण शाखा में अपने तबादले को लेकर आवेदन दिया है। वहीं बीते दिनों जारी आदेश में कहा गया है कि जिनकी 30 सितंबर 2023 तक एक वर्ष की या उससे कम की सेवा बची हो वे गृह जिला में ट्रांसफर का भी विकल्प दे सकते हैं। एडीजी ने कहा जेल में बंद अपराधियों से जुड़ा है बालू के अवैध धंधेबाजों का नेटवर्क। बिहार में बालू के बच रहे अवैध धंधे को लेकर पुलिस प्रशासन एक्स्ट्रा अलर्ट हो गई है। बालू के अवैध कारोबार को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है। 1 जून से 21 सितंबर तक जब बालू का खनन का काम रुका रहता है तब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहटा गंगा दयारा क्षेत्रों से अवैध बालू खनन मामले में कुल 44 कांड दर्ज किए हैं। वहीं एडीजी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जेल में बंद अपराधियों द्वारा अवैध बालू का खनन को एक नेटवर्क के जरिए संचालित किया जा रहा है जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आरजेडी ने तेजस्वी को बताया नीतीश कुमार का वारिस। मुख्यमंत्री की कुर्सी के अगले वारिस तेजस्वी यादव के होने के सवाल पर सियासी चर्चे तेज हैं। इस बीच आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि लंबा सोच रखने वाला हमेशा लंबा ही काम करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर बहुत लंबा है, आगे उन्होंने पैर जब दिल्ली की ओर बढ़ाया है तो फिर पीछे आने की बात कहां से आती है। पीछे जो छोड़कर जाएंगे उसका वारिस तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, आज न कल। मालूम हो कि गुरुवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा था कि 2023 में तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप कर नीतीश कुमार देश की सेवा में कदम बढ़ाएंगे। सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार के स्वभाव में है धोखा। नीतीश कुमार द्वारा सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपने को लेकर सुशील मोदी ने अपना बयान दिया है। सुशील मोदी का कहना है कि अगर राजद यह समझती है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम की कुर्सी दे देंगे तो यह मुगालते में जी रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के स्वभाव में धोखा देना है। जब भी सीएम की कुर्सी की बात होगी वह पलटने से पीछे नहीं होंगे। कुर्सी के लिए वह पहले भी राजद और भाजपा को धोखा दे चुके हैं। अगर राजद ने उनके साथ 2023 में कोई समझौता किया भी है
कि तेजस्वी को कुर्सी सौंप देंगे तो वह इससे मुकर जाएंगे और गठबंधन तोड़ देंगे। नीतीश ने दो बार भाजपा को धोखा दिया, दो बार राजद को धोखा दिया, एक बार मांझी को भी धोखा दिया और तीन बार बिहार की जनता द्वारा दिए गए जनादेश के साथ उन्होंने धोखा किया। उनके स्वभाव में धोखा देना है। संजय जायसवाल ने बताया कि वो राजद से डरती है जदयू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि जदयू राजद से डरी सहमी है। अगर राजद के नेताओं को जदयू के नेताओं ने कुछ बोला तो कुर्सी कुमार की कुर्सी छिन जाएगी। दरअसल गुरुवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे, इस पर फिलहाल किसी भी जदयू नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसी को लेकर संजय जायसवाल ने कटाक्ष किया है कि राजद का इतना खौफ जदयू के ऊपर है कि हर बात का जवाब देने वाले जदयू के नेता जी लोग डर के मारे मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। कहीं कुछ निकल गया तो पता चलेगा कि रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री का तगमा भी 2022 में राजद ना छीन ले। दूसरी बार रोड सेफ्टी का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रीलंका के साथ भिड़ेगी। बता दें कि भारतीय टीम आज दूसरी बार रोड सेफ्टी का खिताब जीतने मैदान में उतरेगी। गुरुवार को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स ने ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश लिया। गौरतलब है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में पहले सीजन में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया था। इस बार भी इंडिया जीत का खिताब जीतने मैदान में उतरेगी। यह मैच रायपुर में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में डाक टिकट का प्रचलन 1854 में आरंभ हुआ। आंध्र प्रदेश 1953 में अलग राज्य बना। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1967 में हुई। स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता एस सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म 1842 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1919 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता सूरज भान का जन्म 1928 में हुआ। भारत के महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फरेरा का जन्म 1938 में हुआ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 में हुआ। भारत के क्रांतिकारी चंदन सिंह गढ़वाली का निधन 1979 में हुआ। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का निधन 1574 में हुआ और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे मेधावी बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मेधावी स्कीम के तहत बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट के जरिए यह संदेश दिया है कि कई खबरों में दावा किया गया है कि भारत सरकार medhaviOnline.org वेबसाइट पर मेधावी स्कीम के तहत स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रही है। PIB ने लिखा है कि यह दावा फर्जी है। मेधावी स्कीम नामक यह वेबसाइट या ऐसी कोई योजना भारत सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। आपकी सुरक्षा के लिए गूगल करेगा ये काम। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका निजी जानकारी गूगल पर दिखाई दे तो गूगल आपके लिए खास फीचर लेकर आया है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल और घर का पता सर्च परिणामों में दिखाई देता है लेकिन कंपनी ने कहा है कि आपके बारे में परिणाम टूल गूगल सर्च से व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करना आसान बना देगा। टेक दिग्गज ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में यदि व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी के साथ नए परिणाम दिखाई देते हैं तो आप अलर्ट का विकल्प चुन सकेंगे ताकि आप उन्हें गूगल सर्च से तुरंत हटाने का अनुरोध कर सके। कांग्रेस चाहती तो नीतीश PM का चेहरा हो सकते थे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस चाहती तो नीतीश कुमार PM पद का उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल बीते दिन पप्पू यादव समस्तीपुर के ताजपुर में 2015 में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन मामले में समस्तीपुर जिला कोर्ट में पेश हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि अभी देश के जो हालात हैं उसमें अगर कांग्रेस की सहमति होती है तो नीतीश कुमार महागठबंधन के संयोजक के तौर पर विपक्ष के PM चेहरा हो सकते हैं। पप्पू यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि 8 साल में 56 इंच के सीना वालों की सरकार है फिर भी भारत की जमीन पर चीन का कब्जा कैसे कर ले रहा है, नेपाल हमारे देश में घुसकर मारकाट कैसे कर रहा है, अब तक PFI पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, अब जाकर PFI को बैन किया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राकेश शर्मा, अनवर करीम खान, मोटू रंगीला, गुनर शर्मा, नरेंद्र कुमार, भान प्रकाश मौर्य, कविता कुमारी, कुलदीप कुमार, कुमोद कुमार, कुमोद यादव और लक्ष्मी मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि
आपको क्या लगता है, भारतीय टीम एक बार फिर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।